अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और फ्रेशर बायोलॉजी के अंदर हम फिर से उस चैप्टर की बात करने लगे हैं कि जिसको हर किसी ने अबू बनाया हुआ होता है, हर स्टूडेंट ने जो है वो उसे अबू बनाया होता है। पता नहीं इसकी क्या इतनी अहमियत है बच्चों के माइंड में कि ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कराने की बार 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 रिक्वेस्ट आ रही है। ऑल्दो मैंने आधा करवा दिया था, मैंने जो है वो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, सॉरी फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक जो है वो तकरीबन कंप्लीट करवा दिया था, खाली रेस्पिरेशन वाला टॉपिक रह गया और ये एक छोटा सा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड रह गया। बट पता नहीं क्या है इस चैप्टर के अंदर जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी अहमियत देते हैं इस चैप्टर को जितनी इन्हें खुद भी घर में नहीं मिलती। बट खैर चलो बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन की। लास्ट टाइम हमने जहाँ पर छोड़ा था वो था डार्क रिएक्शन, जिसे हम केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके दो स्टेप्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है जो कि किस में होता है, थायलाकॉइड के अंदर, जिसमें सनलाइट की एनर्जी को जो है वो ट्रैप कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर जिन्हें हम कहते हैं एटीपी, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर की जाती है जिसे हम कहते हैं एनएडीपीएच। और फिर इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल किया जाता है एक और साइकिल चलाने के लिए, जिसके ज़रिए जो है वो ग्लूकोज बनता है जिसे हम कहते हैं केल्विन बेंसन साइकिल, या जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं जो स्ट्रोमा में होता है। केल्विन बेंसन साइकिल का एक और नाम भी था, उसे हम C3 साइकिल भी कह रहे थे। क्यों कह रहे थे भाई? क्योंकि जो पहला मॉलिक्यूल बन रहा था उसके अंदर तीन कार्बन थे, दैट इज़ वाई हम उसे कहते थे C3 साइकिल। नाउ द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर बात हो रही है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की। वो जो प्रोसेस है वो कार्बन फिक्सेशन ही कहलाता है। जो C3 साइकिल है, जो केल्विन बेंसन साइकिल है, वो कार्बन फिक्सेशन ही कहलाती है। अगर कार्बन फिक्सेशन हो रही है C3 साइकिल के ज़रिए, केल्विन बेंसन साइकिल के ज़रिए, तो फिर ऑल्टरनेट मैकेनिज्म की ज़रूरत क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये है। तो भाई ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि कभी कभी जो क्लाइमेट होता है वो हॉट और एरिड क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब क्या हो गया भाई अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई? तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उससे होता यह है कि प्लांट्स जो हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, ट्रांसपायरेशन, जिसकी वजह से उन्हें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो बेसिकली एवेपोरेशन होती है, और जब भी एवेपोरेशन होती है तो उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। अच्छा, अब इसके नतीजे में होता ही है कि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक वक्त आएगा कि प्लांट जो है वो अपना ज़रूरी पानी जो है वो लूज़ करने लगेंगे। अब जब इतना ज़्यादा पानी प्लांट की बॉडी से निकल जाएगा तो प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो जाएगी। तो प्लांट्स जो है वो मरने से बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, इस गर्मी वाले इन्वायरमेंट के अंदर अपने स्टोमेटा क्या कर देते हैं? अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं। चलो ये तो फ़ायदा हो गया कि भाई अब जो है वो आपके वाटर जो है वो बाहर नहीं जा रहा। मैं ज़रा स्ट्रक्चर दिखाऊँ कहाँ गया। ये हमारे पास लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटर लेयर है, ये वाली लेयर, दिस इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, दिस इज़ कॉल्ड अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये वाली लेयर जो आपको नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। आपको पता है लोअर एपिडर्मिस के अंदर ओपनिंग्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और इनके अराउंड गार्ड सेल मौजूद होते हैं। अच्छा, इस कवरिंग, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक अदद कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पर भी और नीचे भी एक अदद कवरिंग है, दिस इज़ कॉल्ड क्यूटिकल। ये वैक्सी लेयर होती है जो कि पानी को गुजरने की इजाज़त नहीं देती, इवन गैस एक्सचेंज को भी ये रोकती है। अच्छा, लीफ के अंदर ये हमारे पास मेसोफिल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है। एक ये बड़े वाले सेल आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पैलिसेड, और एक ये वाले नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्पंजी, और इनके दरमियान आपको खाली जगहें नज़र आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं एयर स्पेसेस, ठीक है। ये बेसिक लीफ का स्ट्रक्चर है। अब अगर स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो एक तो पानी नहीं जाएगा, वाटर वेपर्स नहीं जाएंगे, ठीक है, तो प्लांट का पानी जो है वो बच जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि इसी स्टोमेटा के ज़रिए गैस एक्सचेंज भी हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा था वो इसी के ज़रिए हो रहा था। अब सपोज़ कर लें कि यहाँ पर सपोज़ कर लें कि इन स्पेसिस के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, और 100 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, और इस स्टोमेटा को क्या कर दिया जाए? इस स्टोमेटा को बंद कर दिया जाए। अब जितने अंदर हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि अंदर से बाहर से अंदर नहीं आ सकते और अंदर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि स्टोमेटा बंद हो गया। तो होगा क्या? दिन के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? इस्तेमाल होती जाएगी। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो होगा क्या? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के 100 मॉलिक्यूल हैं ये कम होते जाएंगे, तो सपोज हम इसे 50 कर लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल हैं ये बढ़ते जाएंगे तो इसे हम 150 कर देते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है प्रॉब्लम क्या हो रही है? लीफ के अंदर जितना अमाउंट था कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिक्रीज होता जा रहा है, और जितना अमाउंट था ऑक्सीजन का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ? क्या हो गया भाई कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और जो ऑक्सीजन है वो कम हो रही है? तो इससे एक बहुत 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 बड़ा नुकसान होता है। वो क्या होता है?
एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन, और ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये फोटोसिंथेसिस की जो यील्ड है यानी ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है उसे डिक्रीज़ करता है, ग्लूकोज की जो यील्ड है उसे डिक्रीज़ करता है। क्यों स्टार्ट होता है ये, उसका रीज़न है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो C3 साइकिल हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अच्छा भाई, यहाँ अगर आप देखें, सो दिस इज़ द केल्विन साइकिल, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है। अब इसके अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है, इसे रिसीव करने आ रहा है एक अदद मॉलिक्यूल, इसका नाम है RuBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। ये जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, दैट इज़ वाई इस साइकिल को हम C3 साइकिल कहते हैं। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो RuBP है, इसके ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कम्बाइन हो सकता है, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन के साथ भी कम्बाइन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाला जो एंजाइम है, इसके आगे लिखा हुआ है रबिस्को। तो ये जो सी और ओ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को कम्बाइन करने की एबिलिटी रखता है इस मॉलिक्यूल के साथ। डिपेंड करता है कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अभी जैसे हमने बात की कि अगर इस टमाटा को बंद कर दिया जाए तो लीव्स के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होकर कम होने लगेगा, और ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर तो वो जमा होने लगेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को कम्बाइन करवा देगा RuBP के साथ, और इससे जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसे हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन, जो कि बेकार प्रोसेस है, जिसके नतीजे में जो है वो फोटोसिंथेसिस की यील्ड बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है जिससे बचने के लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म चाहिए, इसी वजह से एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की ज़रूरत है कार्बन फिक्सेशन के लिए। तो हमारे पास दो तरह की अडेप्टेशन हैं, एक है C4 फोटोसिंथेसिस और एक है कैम प्लांट्स। तो इन्हें हमने वन बाय वन देखना है। देखिए, बहुत आसान सी बात है, ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ होता क्या है। देखिए भाई, हमारे पास एक तरह के प्लांट है जिन्हें हम कहते हैं C4 प्लांट। अब जिनमें C3 साइकिल हो रही थी उन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं, जिनमें C4 साइकिल होती है उसे हम कहते हैं C4 प्लांट। ये C4 कोई अलग से साइकिल नहीं है, बल्कि ये समझ लें कि C3 से पहले एक एडिशनल स्टेप है। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखें C3 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो पहला मॉलिक्यूल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड कम्बाइन होने के बाद वो 3 कार्बन वाला होता है। C4 प्लांट्स के अंदर जो पहला मॉलिक्यूल बनता है वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटेट। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है 4 कार्बन वाला, दैट इज़ वाई इसको हम इन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। अच्छा देखें, ये कुछ अलग से काम नहीं हो रहा, होता क्या है, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली कंबाइन नहीं करवाते रुबिस्को के साथ। उसका रीज़न है, पहले हम इनकी थोड़ी सी एनाटमी देख लेते हैं, इनके अंदर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बुक की डायग्राम है, ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको दूसरी डायग्राम दिखाता हूँ। पहले इसको देखें, ये नॉर्मल प्लांट की डायग्राम है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, आपको एयर स्पेसिस नज़र आ रही है, मेसोफिल सेल्स नज़र आ रहे हैं, और ये स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो इन मेसोफिल सेल के अंदर जाएगी, और मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद होगा क्या, RuBP, वो डायरेक्टली उसके साथ कंबाइन हो जाएगी और यहाँ पे C3 साइकिल चलेगी। ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये C4 प्लांट का है। अब C4 प्लांट के अंदर लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, ये एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, ये कौन सी एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब स्टोमेटा के बिल्कुल साथ आपको एक पूरी लेयर नज़र आ रही है, ये पूरी लेयर नज़र आ रही है जिसने इसे सराउंड किया हुआ है, ठीक है, ये पूरी लेयर आपको नज़र आ रही है। ये कौन से सेल्स हैं, दीज आर मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स ने बेसिकली क्या बनाई हुई है, एक अदद बाउंड्री बनाई हुई है। देन आपको कुछ और स्पेशल टाइप के सेल नज़र आ रहे हैं जो उसमें नहीं थे। ये जो आपको रेक्टेंगुलर से सेल नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बंडल शीट सेल। ये एडिशन होती है C4 प्लांट्स के अंदर, C3 प्लांट्स के अंदर ऐसे कोई बंडल शीट सेल नहीं थे। अब देखिए, ये C4 प्लांट करते क्या, ये बहुत आसान सा काम करते हैं। सपोज कर लें स्टोमेटा बंद हो जाए, और ये जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर राइबोलोज बाइफॉस्फेट बैठा हुआ हो, तो जैसे ही स्टोमेटा बंद होंगे जितना कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होगी वो कंबाइन हो जाएगी, और कंबाइन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, तो ये जो RuBP है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, वो किसके साथ कंबाइन होने लगेगा, वो कंबाइन होने लगेगा ऑक्सीजन के साथ। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंबाइन होने लगेगा ऑक्सीजन के साथ, जिसके नतीजे में फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, इन प्लांट्स को इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो ये करते क्या हैं, ये अपने राइबोलोज बायफॉस्फेट को मेसोफिल सेल से उठा के कहाँ ले गए, बंडल शीट के अंदर ले गए। तो इनका राइबोलोज बायफॉस्फेट कहाँ लगा हुआ है, बंडल शीट सेल के अंदर। ये बंडल शीट सेल है, इसके अंदर ये केल्विन साइकिल चल रही है, यानी इसके अंदर राइबोलोज बायफॉस्फेट है। देखिए, ये वो मॉलिक्यूल है जो कि दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, खाली 3 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं,
तो ये जो राइबुलोज बाईफॉस्फेट है ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुँचेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो कॉन्सेंट्रेशन सेंसिटिव है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी ये उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इन सेल्स के अराउंड जो एयर स्पेसेस हैं, अगर उनमें कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और आप सामने रख दें राइबुलोज बाईफॉस्फेट, तो वो कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस राइबुलोज बाईफॉस्फेट को उठा के ले गए इन सेल्स के अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर, यानी एयर स्पेसेस से दूर चले गए। अब एयर स्पेसेस के साथ कौन सा मॉलिक्यूल रखा है इन्होंने, इन्होंने रखा एयर स्पेसेस के साथ एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है PEP, फॉस्फो इनोल पायरोवेट। देखिए ये बाहर जो है ना, ये एयर स्पेस है, एयर स्पेस यानी स्टोमेटा के अंदर जाके यहाँ पे नजर नहीं आ रही, ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड पैक सेल्स हैं। यहाँ से देखें स्टोमेटा के अंदर जाने के बाद ये बीच की जितनी भी एरियाज आपको नजर आ रहे हैं ये एयर स्पेसेस होती हैं, यहाँ पे गैसेस पड़ी हुई होती हैं, तो यहाँ पर भी स्टोमेटा से अंदर जाके एयर स्पेसेस मौजूद हैं। एयर स्पेस के साथ कौन सा सेल है, एयर स्पेस के साथ लगा हुआ है मीजोफिल सेल, और इस मीजोफिल सेल के अंदर राइबुलोज बाईफॉस्फेट नहीं है बल्कि कौन सा मॉलिक्यूल है, फॉस्फो इनोल पायरोवेट, PEP। अच्छा अब ये जो PEP है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंबाइन होगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी पड़ा हुआ है ना और हज़ार मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के, इसको कोई परवाह नहीं है, ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कंबाइन होता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर इसकी जगह यहाँ पे RuBP होता, राइबुलोज बाईफॉस्फेट होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होने की वजह से ये इसको छोड़ के ऑक्सीजन के साथ मिल जाता। दैट इज़ वाई RuBP को मीजोफिल सेल में रखा ही नहीं, RuBP को रखा है बंडल शीट सेल के अंदर जो कि अंदर की तरफ है। अच्छा अब ये जो फॉस्फोइनोल पाइरोवेट है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता है अपने साथ, ये रिएक्शन करवाता है एक एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज। नाम याद रखें ना रखें कोई मसला नहीं है। इन दोनों के मिलने से तीन कार्बन इसमें है, एक कार्बन यहाँ से आया, चार कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटेट। दैट इज़ वाई इसे हम कहते हैं C4 प्लांट। ऑक्सैलो एसिटेट कन्वर्ट होता है एक और चार कार्बन वाले कंपाउंड में जिसका नाम है मैलेट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये जो मैलेट है ये बना है मीजोफिल सेल में, यानी इन सेल में बना है, उसके बाद ये डिफ्यूज़ होकर चला जाता है किसमें, अंदर वाले सेल में, जिसे आप कहते हैं बंडल शीट सेल। मैलेट अंदर जाने के बाद टूट जाता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक का नाम है पायरोवेट और एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर आई है ये एंटर हो जाती है इस साइकिल में, जिसे आप कहते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एंटर हो गई किसमें, केल्विन साइकिल के अंदर। तो ये वाले प्लांट्स भी केल्विन साइकिल चलाते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं चलाते बल्कि इनडायरेक्टली चलाते हैं, ये एडिशनल स्टेप यहाँ पर होते हैं। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गई, पायरोवेट अलग हो गया, ये जो पायरोवेट बंडल शीट के अंदर मौजूद है अभी ये वापस से चला जाएगा कौन से सेल के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर। वहाँ पर इसे ATP की मदद से फॉस्फेट लगाकर दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर, ये दोबारा से रेडी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगा, दोबारा कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसिटेट में। इस तरह से बेसिकली ये सप्लाई कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल को। तो देखें केल्विन साइकिल अंदर लगाने का फायदा ये हुआ कि राइबुलोज बाईफॉस्फेट अंदर की तरफ चला गया। अब इसका ताल्लुक कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन से है ही नहीं, ठीक है, तो इसके पास ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है ही नहीं कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सके। इसको डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है जो कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट लाकर दे रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट एंड मैलेट। ये कहलाता है वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन, और ये प्लांट्स कहलाते हैं C4 प्लांट, ये पाथवे कहलाता है C4 पाथवे। देखें हो वही रहा है, केल्विन साइकिल चल रही है, उसके नतीजे में शुगर बन रहा है या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, बट हो क्या रहा है कि बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कंबाइन हो राइबुलोज बाईफॉस्फेट के साथ, ये पहले कंबाइन होती है PEP के साथ, तो ये एक बार कार्बन फिक्सेशन हो गई, और उसके बाद ये कंबाइन होती है RuBP के साथ, तो ये दूसरी बार कार्बन फिक्सेशन हो गई, तो ये डबल कार्बन फिक्सेशन होती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये स्टोमेटा बंद भी कर लें, अगर ये स्टोमेटा बंद भी कर ले तब भी ये प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होगी वो सारी की सारी इस्तेमाल की जा सकती है, भले उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम भी हो, क्योंकि डायरेक्टली वो राइबुलोज बाईफॉस्फेट के साथ कंबाइन नहीं हो रही, एंड दैट इज़ हाउ ये अवॉइड करते हैं फोटो रेस्पायरेशन। तो ये एक तरह का प्रोसेस है, ये प्लांट्स कहलाते हैं C4 प्लांट। ये क्या करते हैं, चार कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, फोर कार्बन कंपाउंड जिसे ऑक्सैलो एसिटेट कहते हैं, वो फिर आगे जाकर मैलेट में कन्वर्ट होता है, वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो शामिल की जाती है केल्विन साइकिल के अंदर बाय रिबिस्को। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, शुगर केन है, कॉर्न है, और मेंबर्स ऑफ द ग्रास फैमिली जिसे आप कहते हैं पोइसी फैमिली, जो कि चैप्टर 9 के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अगर देखें तो ये वही डायग्राम है, ठीक है, ये स्टोमेटा मौजूद है, ये मीजोफिल सेल है। देखें मीजोफिल सेल ने किस तरह से अलग किया हुआ है एयर स्पेस को बंडल शीट के सेल से, ये बंडल शीट के सेल है।
तो वही काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, फॉस्फोइनोल पायरेवेट आ रहा है, ऑक्सैलो एसिडेट बन रहा है, मैलेट बन रहा है, ये अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में जा रही है, पायरेवेट अलग हो रहा है, पायरेवेट वापस आ रहा है, एटीपी की मदद से दोबारा इसे कन्वर्ट किया जा रहा है और ये काम चलता रहता है। सो दीज आर द एयर स्पेसेस, ठीक है, इधर कह लें या इधर कह लें, दीज आर द एयर स्पेसेस। नाउ अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स या अनदर टाइप ऑफ पाथवे इज कॉल्ड कैम पाथवे, या जिसे हम कहते हैं क्रेसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये किन प्लांट्स के अंदर होता है? ये सैक्यूलेंट प्लांट्स के अंदर, डेजर्ट के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर करके रखते हैं, अगर आप उन्हें काटें और स्क्वीज़ करें तो उनमें से पानी निकलता है। कैक्टाई, कैक्टस प्लांट और पाइनएप्पल, बेसिकली ये उन एरियाज के प्लांट है जहाँ पर पानी का अमाउंट कम होता है। अच्छा देखिए, अभी जो कैम प्लांट्स है ना, काम ये भी वही करेंगे, ये भी दो बार कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे। पहले क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देंगे और किसी मॉलिक्यूल के साथ मिला के एक एसिड बनाएंगे, जैसे कि ऑक्सैलो एसिटेट बन रहा था, तो ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड बनाएंगे और उसके बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के सप्लाई करेंगे किसमें, C3 साइकिल के अंदर। लेकिन फ़र्क क्या है, C4 प्लांट्स जो काम कर रहे थे ना, वो कर रहे थे दिन के वक्त, ये प्लांट जो काम करते हैं, ये काम करते हैं रात के वक्त, ये उल्टा काम करते हैं। नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को दिन में खुला रखते हैं और रात में बंद कर लेते हैं। ये वाले प्लांट्स क्या करते हैं, इनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं और ये दिन के वक्त उन्हें बंद कर लेते हैं। दिन के वक्त क्यों बंद करते हैं, ताकि पानी का जो लॉस है उसे बचाया जा सके, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट हैं, ये ऐसी ज़मीन में ग्रो करते हैं जहाँ पानी की कमी है, तो पानी बचाने के लिए दिन के वक्त इन्हें बंद कर लेते हैं और रात के वक्त जब ओपन रखते हैं तो उस वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और उसे कंबाइन करवाते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ और एसिड्स बनाते हैं, और इन एसिड्स को ये अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर दिन के वक्त वैक्यूल से निकाल के C3 साइकिल के अंदर घुसेड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त सनलाइट होती है, तो सनलाइट की मदद से ये क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं, यानी लाइट रिएक्शन करते हैं और NADPH बनाते हैं। तो अब इनके पास एनर्जी आ गई और अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये C3 साइकिल के हवाले करते हैं ताकि उसे फिक्स किया जा सके। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक प्लांट का सेल है। देखें ये काम जो कर रहे हैं, पहले ये वाला पोर्शन देखें आप, नाइट टाइम में ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करवा रहे हैं किसके साथ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, C4 प्लांट्स के अंदर आपने देखा था दो तरह के सेल्स थे, एक का नाम था मेसोफिल सेल और एक का नाम था बंडल शीट। मेसोफिल सेल के अंदर पहली बार कार्बन फिक्सेशन हो रही थी और बंडल शीट के अंदर C3 साइकिल चल रही थी। इसमें एक ही सेल होता है, इसमें दो सेल नहीं होते, लेकिन उसमें काम ऑल्टरनेट टाइम पर होता है। तो ये एक ही सेल है, ये मेसोफिल सेल है, यहाँ पे कोई बंडल शीट सेल नहीं है। इस मेसोफिल सेल के अंदर रात के वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आई और ये वही मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो हमने पहले देखा था। ये इंजाइम है, ये मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनोल पायरोवेट और ये इंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ेगा। ये नाइट टाइम के वक्त हो रहा है, इनके जुड़ने से एक मॉलिक्यूल बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड के अंदर और ये स्टोर कर लिया गया किसमें, वैक्यूल में। अब जब दिन का वक्त होगा तो ये मैलिक एसिड टूटेगा, आपको पता है जब ये टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पायरोवेट। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगी किसमें, केल्विन साइकिल के अंदर और पायरोवेट को ATP के जरिए कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर, सॉरी मैलिक एसिड से बनेगा पायरोवेट और पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड में और फिर ये दोबारा से रेडी हो जाएगा अगली नाइट में एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन दिया हुआ है, ये C4 प्लांट है, इसके अंदर देखें कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, इससे एसिड बन रहा है, ये पहली बार कार्बन फिक्सेशन हुई, ये मेसोफिल सेल में हो रही है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली और ये बंडल शीट सेल के अंदर गई, बंडल शीट सेल के अंदर केल्विन साइकिल चल रही है जहाँ से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो ये C4 प्लांट कर रहे हैं, ये पूरा काम डे टाइम पे हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखें यहाँ पे दो तरह के सेल थे, ये एक ऊपर वाला सेल है मेसोफिल और एक नीचे वाला, ये एक ही सेल है। इसके अंदर नाइट टाइम पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड में कन्वर्ट करके इसे वैक्यूल में स्टोर कर लिया जाएगा और फिर डे टाइम के ऊपर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और केल्विन साइकिल के अंदर जाएगी और इसे कार्बोहाइड्रेट बनाए जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द कैम प्लांट्स एंड C4 प्लांट, के ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। और मैंने बता दिया इन्हें इस बात की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई होता है, जिसमें वाटर का लॉस बचाने के लिए स्टोमेटा को बंद रखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कम ना हो जाए, फोटोसिंथेसिस के अंदर कोई रुकावट ना आए या फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए इन्होंने ऑल्टरनेट मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किए हैं। आई थिंक समझ आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल तो है वैसे समझना, बट इतना मुश्किल नहीं है कि समझना है।